हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ये हमारा फेसबुक पेज है क्वांट स्टडी नाम से। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको फॉलो करें, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट है उन सबकी नोटिफिकेशन हम यहाँ पर शेयर करते हैं एंड जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनकी प्री डिटेल्स भी यहाँ पे शेयर करते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपका कोई सवाल है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरी वो क्लास अच्छी तरह लगाई है तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि व्हाट वॉज द थीम ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ NC इन 1944। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो दिया था 1944 में, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने थे 1948 में JNK के। तो आपने बताना है वो मैनिफेस्टो की थीम क्या थी, ठीक है, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने मैनिफेस्टो का। इस वीडियो का मेन एजेंडा यही था कि हम डिस्कस करें सिलेबस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या ये सिलेबस रियल है या क्या ये सिलेबस फेक है। तो बेसिकली ये सिलेबस ना ही रियल है ना ही फेक है। ये 2017 का सिलेबस है जो किसी ने अपलोड कर दिया है बहुत प्रॉपरली 13 पेज के पन्नों में बना के, ठीक है। अगर आप इस पेज को देख रहे हैं तो ये 11th पेज है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको भी रियल सिलेबस माने तो जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू हम JNK पढ़ रहे हैं, ठीक है, 30 मार्क्स का है वो, मेजर टॉपिक है, हम ऑलरेडी वो शुरू कर चुके हुए हैं। और अगर हम देखें हम उसकी ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री। हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ चुके हुए काफ़ी हद तक। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ ली हमने रिवर सिस्टम पढ़ लिया है JNK का, हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको थोड़ा और डिटेल में मैं एक में डिस्कस करूँगा आपसे। साथ ही साथ हमने बजट पढ़ लिया है, अब हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वी आर वेल ऑन द ट्रैक। जो नेक्स्ट मिथ बच्चों में आया है वो ये है कि सर पेपर आने वाला है बहुत जल्दी अब। तो बेसिकली आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी हरकत नहीं देखने को मिली है। नो डाउट कि ये पेपर एक्सपेक्टेड है अगस्त के अंदर ही इसकी फॉर्म फिलिंग वगैरह, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुई है। अगर आप एक्सपेक्ट करें अगस्त के मिड में या एंड में जब भी ये शुरू होता है तो कम से कम 15-20 दिन तो चलेंगी फॉर्म फिलिंग, ठीक है। 15-20 दिन फॉर्म फिल होने के बाद भी 15-20 दिन बाद ही पेपर होता है, तो आप करिए, हमारे पास नाना करके 50 दिन तक अभी भी हैं और हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक वीडियो अगर मैं डालता हूँ तो एटलीस्ट एक दिन का बीच में गैप रखूँ या दो दिन का गैप रखूँ, ताकि उस वीडियो को आप प्रॉपरली देखें, नोट्स बनाएं उसके और रिवाइज करें। क्योंकि होगा क्या कि एंड में आपके पास टाइम नहीं बचेगा हर चीज़ को रिवाइज करने का, ठीक है। तो साइड बाय साइड अगर आप कवर कर रहे हैं, साइड बाय साइड अगर आप नोट्स बना रहे हैं, वीडियोस को सेव करके बार बार रेपिटेडली उनको देख रहे हैं, तो आपके पास नेचुरली पहले से ही आपको याद रहेंगी वो चीज़ें। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर क्या आप इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। तो हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला है आपको, शुरुआत में ही बोला था कि इस चैनल पे पूरा सिलेबस करवाया जाएगा तो करवाया जाएगा, इसलिए आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम एंड में एक रिवीजन भी करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली क्विज़ या कुछ अरेंज करेंगे कि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, जो हमने रिवीजन की है वो एट अ ग्लांस हम रिवाइज भी कर पाएँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा बच्चों का, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने अभी तक नहीं करवाए हैं, वो भी आपको करवाए जाएंगे। जितने यहाँ टॉपिक्स हैं वो तो मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। साथ ही साथ जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो यहाँ की ज्योग्राफी के अंदर आता है और हिस्ट्री के अंदर आता है। अब देखिए यहाँ पे पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी, रीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, हमें JNK की हिस्ट्री को समझना है अगर, तो हिस्ट्री की छोटी छोटी चीज़ें उठा के देखनी पड़ेंगी। डिटेलिंग में नहीं जाएंगे इतना, लेकिन क्योंकि देखिए पंचायत लेवल का एग्ज़ाम है तो इतनी डिटेलिंग में जाके टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हमें एटलीस्ट उसको देखना तो है, इम्पॉर्टेंट डेट्स को देखना तो है। अब मैं आपको लैंड रिफॉर्म्स पढ़ा रहा हूँ, लैंड रिफॉर्म्स इज़ अ मेजर थिंग दैट हैपन्ड इन द JNK हिस्ट्री,
सबसे बड़ा एक इवेंट हुआ था, ठीक है, आप उसको नहीं छोड़ सकते, वो मेन हाईलाइट है हमारी हिस्ट्री की, ठीक है, कि एनसी कहाँ से आई या हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर था जेएनके का, आप ये चीज़ कैसे छोड़ सकते हैं, आप ये चीज़ छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, और जितना मैंने पढ़ाया होगा ना, उसके बाहर से आपको कुछ नहीं आने वाला। बाकी ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये प्रॉपरली यहाँ कवर किए जाएंगे। 9 के 9 टॉपिक्स जो आपने यहाँ देखे हैं, ये 9 के 9 टॉपिक्स यहाँ पे होंगे, प्लस मैं 3-4 टॉपिक्स और पढ़ाऊँगा जो कि मेजर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचिए कि यार मैंने आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ा दिए तो साथ में मैंने रिवर सिस्टम पढ़ा दिया, तो वो यहाँ नहीं है यार। आप इस सिलेबस को ध्यान से देखिए पहले। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ज्योग्राफी क्या होती है? ये जो हमारी रिवर्स हैं, रिवर्स के ऊपर डैम्स के ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब इसके अंडर आता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं पता, अगर आपको अपना रिवर सिस्टम नहीं पता, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं पता है आपको, आपने बजट नहीं देखा आज का, तो आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी था जो मैं हाईलाइट करूँगा, यहाँ पे था एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अगर आप देखें इस सिलेबस का, सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू जेएनके के अंडर है। मैंने पिछली बार जो बजट पढ़ाया उसमें मैंने कितनी स्कीम्स पढ़ाई आपको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री न्यू डेवलपमेंट प्लान, इसके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी यही हैं इस समय जो चल रही हैं, ठीक है। थोड़ी और जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड में, ठीक है, जब एक रिवीजन एट अ ग्लांस होगी, तो बीच बीच में मैं वो पॉइंट भी डिस्कस करूँगा जो अभी मैंने शायद मैं नहीं इंक्लूड कर पाया हूँ या कई बार इंसान भूल जाता है, वो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आपको हसल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपको एक सोफिस्टिकेटेड वे में पढ़ाया जाएगा और हम पूरा सिलेबस स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट करेंगे। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आप पूरी तरह तैयार होंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपरली लिख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये सिलेबस का लास्ट पेज है आई गेस। इसमें क्राइटेरिया वगैरह, नो इंटरव्यू वगैरह, वही चीज़ है जो हमें पता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात इस सिलेबस से ये सीखने वाली है कि हमें मेजर टॉपिक्स उठाने हैं, क्योंकि कोई भी जो सेक्शन है उसको इक्वल नंबर नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, और यही हुआ था 2017 में, कोई भी सेक्शन को इक्वल नंबर नहीं दिए गए थे, नंबर ऊपर नीचे थे डिवाइडेड, ठीक है। मतलब जैसे आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज जेएनके की जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने शुरू की हुई है, उसके 30 नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहो मैं साइंस शुरू कर दूं, वो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ऐसे इवेंट्स जो खाली 10 नंबर के हैं या खाली वो 10 नंबर आपको अर्न करके दे रहे हैं, वो हम एंड के लिए रखेंगे। हमें सबसे पहले उन इवेंट्स को करना है, उन टॉपिक्स को करना है जो आपको मेजर मेजर मार्क्स ला रहे हैं। देखिए इसके बाद आप देखिए कंप्यूटर जो एक सब्जेक्ट है वो 30 मार्क्स गेन करके देगा आपको, ठीक है। अगर आप 120 नंबर का पेपर है, जनरल नॉलेज 30 कर ली, उसके बाद कंप्यूटर 30 करते हैं, आप हाफ वे मार्क थ्रू हैं, ठीक है। 60 नंबर आपके यहाँ पे बनते हैं टोटल जो आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद हम एक और सब्जेक्ट है जो 30 नंबर का है, उसको देखेंगे। ये है वो सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जो 30 नंबर का है वो ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हम इसको देखेंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले ख़त्म करने हैं अपने 90 नंबर, जो कि मेजर क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना पेपर में। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, जब भी आप एग्ज़ाम शुरू करोगे ना, आपको अगर क्वेश्चंस दिखेंगे कि यार ये मेरे को आते हैं, ये मेरे को आते हैं, तो नेचुरली बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई चले जाता है, बहुत ज़्यादा हाई चले जाता है। यहाँ पे क्या है, जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू जेएनके 30 मार्क्स डन, इसके बाद कंप्यूटर 30 मार्क्स डन, अकाउंटेंसी करेंगे 30 मार्क्स डन, 90 मार्क्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद आपके 30 नंबर बचेंगे, ठीक है, वो हम प्रॉपरली आराम से कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें वो मेजर सेक्शंस करनी है जो 30-30 नंबर्स की हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब हम बैठें तो हमको ये रियलाइज़ हो कि यार ये एग्ज़ाम ईजी है, हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं और हम आराम से करेंगे। बाकी मैं आपको रिपीटेडली हर एक वीडियो में कहता हूँ कि यार आप नोट्स बनाइए, आप नोट्स बनाइए, ठीक है। और मुझे बहुत रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर वीडियो की लेंथ बढ़ा दो, ये रिक्वेस्ट आ रही है बेसिकली कि ये वीडियो की लेंथ बढ़ा दो। तो आई प्रॉमिस यू ऑल कि अब वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और हम ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, ठीक है। इनिशियली मैं ये नहीं चाहता था हम ज़्यादा डीप में जाएं, क्योंकि हम एक पंचायत लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट की, वो भी अकाउंट्स असिस्टेंट है, ऑफिसर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा और डीप में पढ़ाऊँ आपको, तो नेचुरली हम और डीप में पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
बाकी रही सिलेबस की बात, तो यार आप बिल्कुल मत डरिए, ठीक है। सिलेबस जो ऑनलाइन जा रहा है, आ रहा है, रूमर्स वगैरह फैलते रहते हैं, आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही मुझे समझाना था इस वीडियो में कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यार नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके नीचे आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं मेरी थर्ड लेक्चर में कि सर अगले लेक्चर कब आएंगे, जबकि आप सब जानते हैं मैं 8 लेक्चर अभी तक दे चुका हूँ। तो अगर आपने वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अगला लेक्चर कब आ गया। तो मैं यही कहूँगा आप एक बार नीचे चेक करिए, अगर आपने उस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। बाकी आई अश्योर यू आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डर लग रहा है, फिर भी कोई दिक्कत है आपको, तो नीचे मैंने ईमेल भी प्रोवाइड किया हुआ है अपना, आप कभी भी वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा 48 आवर्स के अंदर अंदर उसका जवाब देने का, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।